छोटी बड़ी सभी चिटफंड कंपनियों की सही सही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे स्टूडियो चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं PACL द्वारा एक ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज था जो कि पटियाला में है, पटियाला पंजाब में, उसी से जुड़ी ये खबर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज फिर से शुरू करने की तैयारी। मैंने ने मुलाजिमों को मीटिंग के लिए बुलाया। दोस्तों पूरी जानकारी देने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अभी से लाइक कर लें और अंत तक देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से निवेशकों तक यह जानकारी नहीं पहुंच पाती है और आपके एक शेयर से यह जानकारी सभी निवेशकों तक पहुंच सकती है। और लाइक करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। पटियाला बैनूर ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज एक बार फिर शुरू करने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट ने कॉलेज में सफाई करवाकर सिक्योरिटी तैनात की। वहीं पुराने मुलाजिमों को भी सोमवार को मैनेजमेंट ने मीटिंग के लिए बुलाया है। कॉलेज के 1500 स्टूडेंट को शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि मुलाजिम अभी भी बेरोजगार हैं। अगर कॉलेज फिर से शुरू हुआ तो MBBS की 100 सीटें और मिल जाएंगी, जिससे पंजाब को ही फ़ायदा होगा। बनूर स्थित कॉलेज पिछले एक साल से बंद है। कॉलेज को दोबारा चलाने के लिए 140 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मुलाजिमों को भी सैलरी ना मिलने के कारण एजुकेशन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। कॉलेज के मैनेजमेंट देख रहे डॉक्टर हरमान सिंह ने बताया कि वह कॉलेज को चलाने की संभावना तलाश रहे हैं। कॉलेज को चलाने के लिए 4 जगह बात चल रही है, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। इससे पहले ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज को चलाने के को लेकर भाजपा नेता स्वर्ण सिंह सालारिया आगे आए थे, लेकिन वह कॉलेज के नहीं चला सके। इसके बाद भी कुमार ने टेक ओवर किया, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं बता सके कि कॉलेज को कैसे चलाएंगे और मैंने